नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस लॉकडाउन पीरियड में कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो गए और इस कोरोना वायरस के चलते वो अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे और ना ही अपने पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं भी इसी चीज़ से जूझ चुका हूँ और मुझे एक मोटिवेशनल स्टोरी ने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया है, जो कि आज मैं आप सभी के साथ उसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी है, एक बार भगवान इंद्र सभी किसानों से नाराज हो जाते हैं और सभी किसानों से नाराज होने पर वह यह घोषणा कर देते हैं कि अब से बारिश नहीं होगी। तब सभी किसान उनसे विनम्र विनती करते हैं तो इंद्रदेव उनसे कहते हैं, बारिश तो होगी लेकिन 12 वर्ष बाद होगी, और 12 वर्ष बाद तभी होगी जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। ठीक है, यह सुनकर सभी किसान शिव जी के पास जाने को इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन इंद्रदेव चालाकी से पहले ही शिव जी के साथ चर्चा कर चुके होते हैं और उनसे अनुरोध कर चुके होते हैं कि वो किसानों की बात को ना माने और 12 साल बाद ही वो अपना डमरू बजाएं। जब सभी किसान शिव जी से अनुरोध करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश, मैं 12 साल बाद जब डमरू बजाऊंगा तभी बारिश होगी। यह सुनकर सभी किसान जो है निराश होकर वापस लौट गए। उतने में से सभी किसानों ने डिसीजन लिया कि अब वो 12 साल बाद ही कृषि करेंगे। ठीक है, और उसमें से एक किसान जो था वो निरंतर रूप से अपना कार्य किए जा रहा था, अपना खेती किए जा रहा था। तो सभी किसान उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम आखिर अपना समय और ऊर्जा क्यों व्यर्थ कर रहे हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि 12 साल बाद बारिश होगी। ठीक है, तो आप अपना ऊर्जा और समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो किसान ने अपना उत्तर दिया कि 12 साल बाद भले बारिश होगी, ठीक है, फसल होगा, लेकिन 12 साल बाद यह कोई मतलब नहीं है कि मैं अपना कौशल और कला को बनाए रखूंगा। ठीक है, इसलिए मैं इसे अभ्यास के रूप में कर रहा हूं ताकि मैं कभी आलस्य का शिकार ना हो और जब मैं अपने काम को करने का वक्त आए तो मुझे इस काम को करने के लिए पछतावा ना करना पड़े। ठीक है, तो यह बात जब पार्वती माता को मालूम चलती है तो वो भगवान शिव से ये बात को कहते हैं और भगवान शिव भी आश्चर्य हो जाते हैं कि शायद मैं भी कहीं डमरू बजाना 12 साल बाद भूल गया तो। ठीक है, तो भगवान शिव डमरू बजाने की कोशिश करते हैं और जैसे डमरू बजाने की कोशिश करते हैं डमरू बज जाता है और बारिश होने लगती है। तो वो किसान जो निरंतर रूप से अपना खेती कर रहा था, अपना काम जारी रखा था, उसे कोई पछतावा नहीं होता, उसका खेत जो है फसलों से भर जाता है और बाकी जितने हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है, और क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, भगवान शिव का डमरू जैसे कभी भी बज गया तो उसी तरह से आपका कोई भी काम करने के लिए कभी भी डमरू बज सकता है। यह लॉकडाउन दोस्तों कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, एक सप्ताह में, दो सप्ताह में, एक महीना में, दो महीना में, कभी ना कभी समाप्त होगा और ये कोरोना वायरस भी एक ना एक दिन समय से समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह जो समय है दोस्तों, यह समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आप अभ्यास करते जाएं ताकि समय और मौका मिलने पर आपको पछतावा ना करना पड़े। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज के मोटिवेशनल स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा, मुझे भी मिला था। इसे शेयर करते हुए आप लोगों के साथ मुझे खुशी हुई और मैं आशा करता हूँ इसे सुनने के बाद अब आप लोग अपना पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, फिर से डमरू कभी भी बज सकता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।